जय माता दी। एक बार दोबारा आपके साथ जन्म कुंडली लेकर के आए हैं। नाम है इनका सुनीता। 8 दिसंबर 1984 10:40 सुबह के जयपुर का जन्म है। ये जन्म कुंडली आप सब देख रहे हो, मकर लगन की जन्म कुंडली है। मंगल शुक्र लगन में राहु चंद्रमा, जिसमें चंद्र ग्रहण बना है 5वें घर का और सूरज ग्रहण 11वें घर का केतु और सूर्य के मिलने से शनि अपने पक्के घर में जरूर बैठा है, लेकिन खराब है। कारण, राहु पहले केतु बाद में शनि खराब, और सूरज भी 11वें घर में बैठ गया और साथ ही 12वें घर में बुध और बृहस्पति का मेल। महादशा बृहस्पति की चल रही है, 2012 से शुरू हुई है, 2028 तक चलेगी, लगभग 16 साल की। अंतरदशा शुक्र की चल रही है, जो कि लगभग जनवरी फरवरी के आसपास 2023 तक चलेगी। बृहस्पति की महादशा है, लाल किताब कहती है कि कुंडली के अंदर ग्रहण लग जाए, चाहे वो चंद्र हो सूर्य हो बृहस्पति, तो हो गया खराब। 1984 का जन्म है, उस हिसाब से लगभग इनकी 37 साल के आसपास की उम्र है। 5वां घर संतान का है, 5वें घर में बैठा हुआ ग्रहण राहु जब बृहस्पति को बुरा करे तो संतान में विघ्न और रुकावटें देने का काम करता है। 35-36 साल तक तो संतान में भी विघ्न भी बहुत आए और अबॉर्शन मिसकैरेज जैसी सिचुएशन भी बनी 2-3 बार, जिसके कारण अब 35-36 के बाद संतान का सुख तो है और संतान इनके आराम से अब हो भी जाएगी, लेकिन कुंडली में इन ग्रहण दोष का उपाय करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो 5वें घर का जो ग्रहण दोष है, उसने इनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर भी रुकावटें दी, पढ़ाई के जो लाभ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। और बृहस्पति जब खराब होकर के 12वें घर में बैठता है और अपने दुश्मन बृहस्पति बुध के साथ जाकर के बैठा है, तो सेहत को लेकर के कमियां देना इसकी आम बात है, क्योंकि बृहस्पति जब जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था में जाकर के बैठ जाए तो ज़्यादातर बीमारियां इंसान को घेर लेती है। सूजन की बीमारी, सांस लेने में दिक्कतें, पीछे इनको कोविड भी हो गया था, तो जिसके कारण ये सारे खराब हालात सेहत के अंदर बनने लगते हैं। खांसी, जुकाम, सर्दी जल्दी होना, सांस से जुड़ी तकलीफें होना, शरीर में सूजन जैसी प्रॉब्लम होना, और 5वें घर में राहु चंद्रमा होने के कारण पेट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्या होना। कई बार तो इनके घर का पैसा ऐसा बीमारियों के ऊपर खर्च होता है, जाके टेस्ट भी करवाते हैं लेकिन डॉक्टर कहता है रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, वो भी राहु और चंद्रमा के कारण ही। इधर 11वें घर का सूर्य ग्रहण, कभी किसी का जूठा भी नहीं खाना और शराब मांस का जो सेवन तो भूल के भी जिंदगी के अंदर नहीं करना, नहीं तो सेहत को लेके, लाभ को लेके और संतान को लेके हमेशा कमी के योग। लगन का बैठा हुआ मंगल दिल का अच्छा भी बनाएगा, गुस्सा थोड़ा दे जाता है, लेकिन शुक्र के साथ जाकर के बैठ गया, उधर 5वें घर का ग्रहण बन गया तो मन की शांति और घर की सुख शांति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, पति पत्नी के तालमेल में भी कमियां बनती है। 12वां घर खराब होने के कारण पति पत्नी के निजी सुख, बेडरूम के सुखों के अंदर भी कमी आती है। तो ये सारे खराब हालात कुंडली के अंदर जो बने हुए हैं, इनको स्टेबल करना जरूरी है। जब तक 2028 तक ये बृहस्पति चलेगा, समय समय पर मान सम्मान की कमियां, समय समय पर घर के अंदर क्लेश और पैसे की खराबी, और साथ ही बिना वजह स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और सेहत को लेकर दिक्कतें। राहु के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखना है? दक्षिणमुखी मकान में नहीं रहना, घर की दहलीज साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल भी ना हो, और साथ ही घर का मेन गेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और दक्षिण की तरफ मेन घर का डोर नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। नीला रंग पहनना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। साथ ही जितने भी अपने से बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेने से चंद्रमा और बृहस्पति अच्छा होगा। अब इनको कुंडली में उपाय क्या करने चाहिए, ये तो होगी कुछ प्रिकॉशंस। और बुध के लिए क्या प्रिकॉशंस है? 12वें घर का खराब बुध, घर के अंदर तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, किसी भी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक, तबला, गिटार वगैरह, ये सारी चीज़ें घर से हटानी जरूरी है। नॉनवेज वगैरह तो भूल के भी इनको नहीं खाना, और अपना चाल चलन भी हमेशा अच्छा रखें। और साथ ही अब उपाय क्या करने चाहिए, 60 ग्राम चांदी का ठोस हाथी, जिसकी सूंड नीचे हो, सीधा पांव आगे हो, स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसके अंदर उसको डबो के ऊपर से ढक के अपने बेडरूम के अंदर अपने बेड के पास अपने सिरहाने रखें हमेशा के लिए। जब भी गंगा जल उसमें सूख जाए तो दोबारा गंगा जल भरते रहिए।
अगला उपाय, बुध को और बृहस्पति के मेल को हटाना जरूरी है। 27 दिन लगातार एक बड़ा सा खाली मटका लेकर के उसके ऊपर ऐसे ही ढक्कन रख के उसको तेज चलती नदी में जलप्रवाह कीजिए। ध्यान रखिए, जलप्रवाह के बाद पीछे पलट के मत देखिए। सेहत को लेके ज्यादा कमियां बन रही है तो 43 दिन लगातार नीले रंग की पोटली बनाइए, उसमें 2 मुट्ठी चावल उसके अंदर भर के उसको गांठ लगा करके सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के तेज चलती नदी में जलप्रवाह करते रहिए। राहु और चंद्रमा का मेल जब बीमारी समझ में ना आए तो ये उपाय होना बेहद जरूरी है। और हो सके तो सोने का सूर्य बनवा के उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में जरूर पहनिए। और हर सूर्य ग्रहण पर 1100 ग्राम साबुत बादाम और 11 सूखे नारियल बिना पानी के इनको तेज चलती नदी में जलप्रवाह करना बहुत जरूरी है। और साथ ही हर शुक्रवार काली या लाल गाय की सेवा करनी बहुत जरूरी है। और रोज केसर का तिलक भी नाभि जुबान माथे पे लगाइए, जरूर फायदा होगा। ये उपाय करके देखिए, सेहत की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी, घर में सुख शांति, पति पत्नी के आपसी तालमेल, हर तरह से हालात अच्छे होंगे। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे, इजाजत दीजिए। जय माता।